अब तुम जल्दी से अपने शेख के लिबास में आ जाओ, कोई आएगा तो देख लेगा। जो हुक्म आका। आका, अब तो लिबास बदल लिए, अब तुम मिस्र के बारे में बताओ। बताओ जीनू, अलादीन। अम्मी, अलादीन तो तू कब आया? अम्मी कब आया? बस अभी आया। काश मैं भी मिस्र गया होता तो अम्मी मुझे भी ऐसे प्यार से गले लगा लेती। गले तो अम्मी तुझे अभी भी लगाएगी। हा? पर तेरे कान लौड़ करने के बाद बिना बताए कहाँ चला गया था? हा? बताए मैं कितनी परेशान हो गई थी। अब वो क्या ना, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, इसलिए मैं घर से दूर चला गया कि कहीं आपको भी बुखार ना हो जाए। बताओ ना भाई। पर गुलबदन तो मुझे कह रहा था कि तुझे महल बुला लिया है किसी जरूरी काम के लिए। अम्मी कहाँ आप भी गुलबदन की बातों में आ गई। गुलबदन तो कुछ भी कहता है, अभी बाहर जाके देखिए, गुलबदन ना लड़कियों से थप्पड़ खा रहा है। सच? हाँ। जीनू, इस तरह बिना बताए फिर कभी मत जाना। हाँ, माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। माफ करना अम्मी, हम मैं दोबारा आपको बिना बताए घर से कहीं नहीं जाऊंगा। कमाल है। अब ये कहाँ चला गया? ना ही सूरत ना ही शक्ल, फिर भी खुद को समझे तेज अक्ल। जय ये उसका इलाका है, कैसा घटिया आका है। ये उसका इलाका है, बड़ा घटिया आका है। ये उसका इलाका है, बड़ा घटिया आका है। लगता है तुम अपनी सारी तमीज और तहजीब भूल गए हो। पर तहजीब और तमीज ये उसका इलाका है, बड़ा घटिया आका है। ये उसका इलाका है, बड़ा घटिया आका है। ये उसका इलाका है, बड़ा घटिया आका है। मेरी पहली ताकत यानी फरेब नजर तो आप देख ही चुके हैं। ये मेरी दूसरी ताकत है, लोगों को काबू में करके। इन दोनों ताकतों में पूरी कायनात में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं इंसानों को काबू में करके उनसे कुछ भी करवा सकता हूं। अम्मी आपको याद है, आप पिछले हफ्ते फरीद बाबा के दरगाह से दो तावीज लेके आई थी। हाँ, तुम दोनों के लिए ही तो लाई थी,
पर तूने ही जिद की थी कि तू नहीं पहनेगा क्योंकि तुम दोनों को जरूरत ही नहीं है। अम्मी तब समझ नहीं थी लेकिन अब समझ में आ गया। इतना लंबा सफर तय करने के बाद समझ में आ गया है कि बुजुर्गों और ऊपर वाले की दुआएं हमेशा साथ होनी चाहिए। आप हम दोनों को वो तावीज फिर से दे दीजिए ना। हाँ अभी अभी लेकर आई। क्या नहीं जिनू वो क्या है ना अम्मी का दिल रखने के लिए ले लेना चाहिए। आका डर गए आका डर गए आका डर गए आका डर गए। हुजूर, हुजूर ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गाल पर 1000 तमाचे मारे हो। हुजूर ये क्या है? ये मिस्र से मिला हुआ हमारा नायाब तोहफा। मिस्र से लाया हुआ हमारा नायाब हीरा। ये है हमारा गुलाम। अंगूठी का जिन। नहीं, 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 मेरे करीब आता। नहीं, 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 नहीं। जब मैं इंसानों को छोड़ता हूं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि मैंने उनसे क्या क्या करवाया। और उस वक्त मैं सिर्फ आईने में दिखाई देता हूं। चलो अब हमें यकीन हो गया कि तुम हमें चिराग का जिन लाकर दे सकते हो। काली चोर और हम साथ में हो हासिल कर सकते। बस खड़ी रहोगी या आकर हमसे गले भी लगोगी? ना कोई खत ना कोई खबर। शहजादियां ऐसे बिना इत्तला किए नहीं आती। पर तूफान तो बिना इत्तला किए ही आता है
और यमन की शहजादी मेहर, तूफान है तूफान। तुम्हारे तेवर आज भी बिल्कुल ही बदले मेहर। हम चचेरी बहनों में यही तो फर्क है यासमीन, तुम्हारे पास तहजीब है और हमारे पास तेवर। हम तो बहुत पहले ही आना चाहते थे। तुम्हारी बगदाद की सुल्ताना बनने की खबर सुनी तो हमसे रहा नहीं गया और बस हम आ गए तुमसे मिलने। हमने तुम्हें दावतनामा भेजा था लेकिन तुम ही नहीं आए, क्यों? मेहर की मर्जी। आपके दिल का अरमान पूरा करना ही पड़ेगा। आपको चिराग का जिन चाहिए, वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं जमीन को छूती हूँ, आसमान में है मेरा घर, पर जो तुझे छू लूं तो फौरन जाएगा तू मर। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है मेरे अकल के जादूगर आका, ये पहेली है, सुलझाइए। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे? मेरी इतनी मजाल मेरे आका कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं? जवाब दीजिए आका, मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। मैं जमीन को छूती हूं, आसमान में है मेरा घर, जो मैं तुझको छू लूं तो जाएगा तू फौरन मर। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आका डर गए, आका डर गए, आका डर गए। इस पहेली का जवाब मेरे अकल के जादूगर, बिजली जमीन को छूती है, आसमान में रहती हूं, इंसान को छू ले तो इंसान मर जाए। अब आप ये बताइए कि आपका वो जादुई चिराग का जिन मिलेगा कहाँ? यही बख्तात में। बगदाद में। एक और सवाल मेरे आका, जब आपके पास मुझ जैसा ताकतवर जिन है, फिर आपको उस मामूली चिराग की मामूली जिन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ऊपर वाला मेरे बच्चों पर अपना रहम हमेशा बनाए रखे। कोई मुश्किल, कोई खतरा, कोई बुरा साया तुम दोनों के करीब कभी ना आए। अम्मी, पहले जीनू को बांधिए ना। क्या बात है, लगता है मिस्र में बहुत याद आई तुझे जीनू की। जब से आया जीनू जीनू ही कर रहा है। क्या बताऊं अम्मी, मैं हूं ही ऐसा।
ये ले। भूख लगी होगी ना तुम दोनों को? हाँ अम्मी, बहुत जोर की। मैं जल्दी तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। जिनू, इसको उतारना मत। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, जब से आए हो थोड़े परेशान लग रहे हो भाई, आखिर माजरा क्या है? जिनू, मिस्र में सब गड़बड़ हो गया। अंगूठी का जिन मुच्छड़ के हाथ लग गया है। और अब वो उस अंगूठी का इस्तेमाल करके तुम्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। क्या तुम ठीक तो हो ना जिनू? जिनू, 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 ये जिनू तुम बाहर कहाँ हो? जिनू, 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 ऐसा कौन करता है? जिनू कहाँ हो तुम? जिनू, जिनू, जिनू कहाँ हो? जिनू, 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 तुम कुछ ना बोल के ना मुझे परेशान कर रहे हो। जिनू उठो। पाका, मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ ताकि वो लोग मुझे मरा देख के वापस चले जाए। जिनू, जिनू, वो लोग जानते हैं कि तुम जिन हो और जिन मरते नहीं हैं। उठो। बोला बोला बीबी, छा गई गरीबी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं क्या करूं? जिनू, तुम कुछ मत करो, पहले ना इस कोने से निकलो, इधर आओ। हाँ, मेरे पास एक और तरकीब है। हाँ, आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, कोई मुझ तक पहुंच ना पाए जब जिनू ऐसा जादू कर जाए। ये सब क्या है? अका, ये मेरे छुपने की जगह है कि जब वो लोग आएंगे तो मैं यहाँ छुपा रहूंगा। वो लोग मुझे देख नहीं पाएंगे तो मुझे ले भी नहीं जा पाएंगे। आका, इतना सब काफी है ना? अरे क्या कर रहे हो? आका, आका, मेरे छुपने की जगह। अरे अरे क्या कर रहे हो आका? आका, आका, मैं तुम्हें, अम्मी को और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिन की तरह नहीं बल्कि मैं जैसे रहता हूँ जीनू बन के, मैं जीनू बन के रहना चाहता हूँ। आका, मेरी मदद करो। आका, मुझे बचा लो। आका, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आका, चलो मेरे भाई। हाँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुच्छड़ हो या अंगूठी का चिन्ह, तुम्हें तुम तक पहुंचने के लिए मेरा सामना करना होगा, ये मेरा वादा है। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, मुझसे ताकतवर जिन इस पूरी कायनात में कोई नहीं है। ये जिन दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है। हम जानते हैं तुम बहुत ताकतवर हो,
लेकिन इस पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में करने के लिए मैं तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। अंगूठी का जिन और जादुई चिराग का जिन, एक बार दोनों ही हमारे हो गए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। जब आपके पास अंगूठी का जिन है, आपको वैसे भी कोई नहीं हरा सकता मेरे आका। इसका फैसला तुम है, तुम्हारे आका करेंगे। मैं जादुई चिराग का जिन किसी भी कीमत पर चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। याद रहे, उसे कम मत समझना। लगता है आपको जादू चिराग का जिन लाकर देना ही पड़ेगा, तब आपको अंगूठी के जिन की ताकत का एहसास होगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.